नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो 360 के अंदर। आज हम आपको दिखा रहे हैं वेल्डिंग मशीन। तो अभी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं वेल्डिंग मशीन की। तो डिब्बे के अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो जाती है वो दिखाता हूँ आपको। जो हमारे पास वेल्डिंग मशीन है उसके साथ ये दो ये आई है, ये लीड है इसकी, ये दो लीडें हैं। जो पहली लीड आप देख रहे हैं ये है नेगेटिव वाली, और इसके बाद ये दूसरी है पॉजिटिव वाली जो रॉड को होल्ड करेगी। ये रॉड का सिस्टम इसका होल्ड करने का। और इसके बाद है हमारी मशीन, ये मशीन है। तो पैकेजिंग के अंदर सिर्फ ये दो कंटेंट आते हैं, इसके रॉड हो गए, जो हमारी वायर है वो हो गई और मशीन हो गई, बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो बॉक्स को मैं साइड कर देता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी मशीन है बंसल्स जेड सीरीज। तो बंसल जेड सीरीज की हमारी मशीन है। ये हमारी मशीन का माप होता था, ये ARC 255 है। ये 255 एम्पीयर तक वोल्टेज का जो है फ्लो करती है वेल्डिंग के लिए, और ARC टाइप वेल्डिंग करती है। साथ ही इसके अंदर जो रेगुलेटर दे रखा है एम्पीयर कंट्रोल करने के लिए कि आप कितने एम्पीयर से जो वेल्डिंग है वो करना चाहते हो। और इसके अंदर पीछे इसका स्विच दिया है ऑन ऑफ का, और साथ ही नीचे एक पंखा है जो अंदर जो कॉइल वगैरह है या जो PCB लगी हुई है उसको कूल डाउन करने के लिए। तो मैं भी आपको इसे चला के दिखाता हूँ एक बार। तो मैं एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर लगा लेता हूँ इसको। ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर इसके दोनों वायर लगा लिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अर्थिंग का भी डाल दिया है, और अब इसको कर दिया मैंने स्विच ऑन। तो ये स्विच ऑन हो गया। अभी मैं आपको इसको यहाँ से स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका अभी फिलहाल ये आगे से बंद है, कोई LED ग्लो नहीं कर रही है, कोई मीटर के अंदर जो पावर वगैरह कुछ नहीं है। अभी मैं पीछे से करूँगा स्विच ऑन, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन करते ही इसका फैन जो है वो चलने लगा है, और आगे भी पावर आ चुकी है इसके अंदर। ये जो मीटर है इसके अंदर इसके एम्पियर दिख रहे हैं आपको, ये इनपुट दिखा रहा है 220 वोल्ट का इनपुट है। ये दूसरे नंबर पे इन्होंने एक LED और दे रखी है, वो टेम्परेचर के लिए है, ज़्यादा हॉट हो जाएगी तो मशीन यहाँ कट मार देगी इसको लेके। और साथ ही ओवर वोल्टेज की है 415 वोल्ट, मतलब वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भी कट मार जाएगी। ये इसका रेगुलेटर है, रेगुलेटर को मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए एम्पियर किस तरह कम ज़्यादा होती है, ये इससे एम्पियर कम ज़्यादा होते हैं। तो मैं भी आपको इसे बंद करके लीड वगैरह लगाने के बाद थोड़ा वेल्डिंग का आपको सैंपल दिखाता हूँ किस तरह वेल्डिंग करते हैं। तो अभी एक बार पहले लगाते हैं नेगेटिव वाली हमारी। तो नेगेटिव अभी इन्हें हमें नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे। नेगेटिव का हमारा ये साइन छाप रखा है, नेगेटिव की हमारी ये है और पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड वो ये है। तो नेगेटिव का यहाँ लगाएंगे हम, तो नेगेटिव का हम यहाँ लगा रहे हैं, और इसके बाद जो बोल्ट अपना वो टाइट कर देना है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा लग गया है। अभी बारी है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव को यहाँ लगाएंगे, फटाफट इसको लगा देते हैं। ये हमारा लगा पॉजिटिव, दोनों हमारे इलेक्ट्रोड लग गए हैं। मशीन को थोड़ा सा साइड करते हैं, और ये हम लेके आए हैं इसके लिए 10 नंबर की रोड। छोटी मशीन है तो इसके अंदर 10 नंबर की और 12 नंबर की रोड जो है वो चलेगी, इससे बड़ी रोड नहीं चलेगी। नंबर छोटा होगा लेकिन रोड बड़ी होगी, तो रोड लगेगी यहाँ पे। ये हमने लगा ली रोड, ये हमारी रोड लग चुकी है, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, इसको साइड करते हैं। ये मैं एक आयरन का पाइप लेकर आया हूँ, इस पे इसको ट्राई करेंगे। तो इसको लगा देता हूँ यहाँ पे एक बार, और अभी मैं आपको इसके ऊपर टेस्टिंग करा के दिखाऊंगा। अभी के बाद करता हूँ मशीन को चालू, मशीन हमारी चालू हो चुकी है, और अब एक बार चेक करता हूँ हमारी वैल्यू।
एम्पियर ज्यादा हो रखे तो एम्पियर थोड़े से कम करता हूँ मैं। तो मैंने कर लिए हैं अभी 62 एम्पियर, और ये जो रॉड है हमारी, इसको जब इस पे टच करेंगे तो ये वेल्डिंग का हमारा काम करता है। तो ये इस तरह है वेल्डिंग का प्रोसीजर। बाकी वेल्डिंग करते समय हमेशा जो वेल्डिंग के ग्लासेस हैं या वेल्डिंग के शील्ड, जो शील्ड होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, क्योंकि इससे निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होती है वो हमारी आँखों को ख़राब कर देती है। आँखों के अंदर जैसे आप दिन में काम किया है तो रात को जैसे आप सोओगे तो रात में बहुत पेन होता है आँखों के अंदर, क्योंकि जो आँखों की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ये उसको जला देता है, जिसके कारण पेन होता है। तो ये इस तरह का चश्मा होता है, बिल्कुल डार्क ग्लास होता है। अगर हम नॉर्मली इसको लगा के देखें तो इसके अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल जीरो होता है। बाकी जैसे ही आप वेल्डिंग के दौरान इसके अंदर से देखते हैं तो थोड़ा सा बहुत अंदाज़ा लगा के हम इससे काम कर सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग की लाइट जब हम इन प्रोसेसिंग जब होती है तो लाइट की उसके साथ की लाइट से जब हमारे जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो दिखती है इतनी, तो इस तरह इसका काम करते हैं। बस मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अभी मैंने जैसे एम्पियर कम किए हैं तो ये इस तरह काम कर रहा है। अब जैसे और कम करूँगा तो और कम काम करेगा ये, जैसे जैसे कम करता जाऊँगा ये काम कम करता जाएगा। ये देखिए यहाँ बिल्कुल एम्पियर कम कर दिए तो यहाँ काम नहीं कर रहा है ये। अब एम्पियर ज़्यादा करूँगा तो ये काम करता जाएगा आगे आगे। ये देखिए वेल्डिंग की तरफ कभी भी देखना नहीं होता, नहीं तो आँखों की जो ऊपर की लेयर है वो जल जाती है। अभी ज़्यादा एम्पियर हुआ तो इस तरह काम करती है। तो इस तरह इसके जो एम्पियर है वो काम करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस तरह का मेटल होता है तो एम्पियर उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। बारीक जो मेटल होगा उसके लिए हमें एम्पियर जो हमारे हैं वो कम रखने होंगे हमेशा, और जब भी हम कोई हैवी वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एम्पियर हमें ज़्यादा रखने होंगे। जिस तरह ये पाइप है, ये हमारा पाइप है तो मोटा है, एम्पियर ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जैसे कुछ बारीक पाइप होगा जिसका जो लोहा है वो पतला होगा तो उसके हमें एम्पियर कम रखने होंगे, नहीं तो वो पाइप के अंदर छेद कर देगा, वो पाइप को वहाँ से गला देगा और वहाँ से पाइप आपका जो है ओपन हो जाएगा, पाइप या एंगल जो भी है वो वहाँ से उसको जला देगा और वो मेल्ट होकर नीचे की तरफ पहुँच जाएगा। तो इस तरह इसका काम किया जाता है। बाकी कई किसी भी व्हीकल के ऊपर अगर हम कभी भी जो है वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो बैटरी का जो व्हीकल की जो बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल हमें हमेशा हटा देना चाहिए बैटरी से, क्योंकि नेगेटिव ये जो है ये नेगेटिव पर अटैच होगा और पॉजिटिव से वेल्डिंग होगी, और अगर वो नेगेटिव पे जो उसका कनेक्ट रहेगा व्हीकल का तो पॉजिटिव का जो है और नेगेटिव का जो होगा जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा तो वो उसको बैटरी को जो है ड्रेन कर ड्रेन आउट कर देगा, वो बैटरी को बिल्कुल लो कर देगा। तो इस करके हमेशा व्हीकल का बैटरी का जो वायर है वो हटा देना चाहिए। तो ये था इसका प्रोसीजर। बाकी मैं एक बार फिर से थोड़ा सा वेल्डिंग दिखा देता हूँ उसके ऊपर। चश्मा लगा के आपको हमेशा करनी है, मैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं इसकी तरफ देख नहीं रहा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ उनका। तो इस तरह से आपको जैसे वेल्डिंग किस तरह करते हैं आपको बता दूँ कि अगर डायरेक्ट आप ऐसे करोगे तो ये इस पर चिपक सकता है, तो डायरेक्ट इसको हल्का से इसके इस पर अटैच करके और हल्का हल्का से मूव करते रहें, अगर चिपक जाए तो इसको ऐसे घुमा के वहाँ से तोड़ लें। अभी एम्पियर कम करके मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह करते हैं वेल्डिंग। इस तरह हल्का हल्का इसको मूव करते रहे, इसको एक पोजीशन पे ना रखें, एक जगह अगर आप ऐसे रख लोगे तो ये चिपक जाएगा, फिर आपको ऐसे ही लाके इसको तोड़ना पड़ेगा वहाँ से। तो ये था इसका वेल्डिंग का प्रोसीजर। बाकी क्या होगा अगर हम एक ही जगह अगर इसको अटैच रखते हैं तो एक बार जस्ट ट्राई करते हैं। तो चिपक जाती है और जो मशीन पे है वो लोड ज़्यादा आता है इसका, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें जो काम करना है अपना वो काम करो, और मशीन से मतलब ढंग का जो काम लेने का है वो लो, बेवजह के एक्सपेरिमेंट इन मशीनों के साथ अच्छे नहीं है।
क्योंकि चाइनीज मशीनें होती हैं ये पीसीबी वगैरह लगे, तो जो पहले हमारी जो भारी मशीनें होती थी उनसे हम सब काम कर सकते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो कुछ कर लो कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो जलती नहीं थी। ये इनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्योंकि हीट आउट जल्दी होती है ये। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और किसी चीज़ की अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी है तो कमेंट के अंदर मेंशन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।